राजपाट मिलने तक होली नहीं मनाने की घोषणा करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी का इंतजार आज खत्म हो गया। राजभर साहब मंत्री बने जा राजपाट मिलने तक होली नहीं मनाने की घोषणा करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी का इंतजार आज खत्म हो गया। राजभर साहब मंत्री बनने जा रहे हैं, होली मनाएंगे इस बार? हम 32 साल से नहीं मनाते हैं कि होली के दिन ही हम लोगों का राजपाट छीना गया। ये जो इतिहास है, जब यहाँ शासक मुसलमान था, इन्हें अकबरी अंग्रेजों का शासन था, तो गजेटियर उनका संविधान था, उन सब विधिवत लिखा गया है कि 585 राजा देश में थे, 165 अकेले भर राजा थे, आज भी उनके कोर्ट के लिए विद्यमान है। वो तो ठीक है, लेकिन आप मनाएंगे कि नहीं होली? नहीं, हम नहीं मनाते, व्यक्तिगत में खुद नहीं मनाता और लोग मनाते हैं। तो आज शपथ ग्रहण शाम को हो गया, फोन ऑन आ गया? अभी फोन राजभवन से तो नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी कहाँ से आया? थोड़ी देर पहले। नहीं, अब बुलाया गया है तो अभी जाएंगे। बड़ा लंबा इंतजार हो गया सर, मतलब 6-7 महीने से दिवाली से होली आ गई। इंतजार नहीं, इंतजार देखिए समय पर ही सब कुछ होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के साथ आपकी बैठक हुई है, क्या क्या आपको मिला है? देखिए माननीय गृह मंत्री जी और माननीय जेपी नड्डा जी के दोनों लोग थे, तो वहाँ एक सीट फाइनल हुआ है घोसी, एक MLC और ये भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली भेजने का, और आयोग के आयोग में कुछ लोगों को मनोनीत करने का। तो किसको चुनाव लड़ा रहे हैं लोकसभा घोसी इस बार? अब 7 तारीख को बैठक रखे हैं और घोसी सहित पूर्वांचल के सभी नेताओं को बुला रखा है, जो वो सब निर्णय लेंगे वही होगा। MLC भी वही लोग तय करेंगे, हम नहीं कुछ। मतलब 7 तारीख को आपके लोकसभा प्रत्याशी और MLC दोनों प्रत्याशी तय कर लेंगे, और निगम में भी किसको किसको भेजना है। ऊपर से नाम मांगा गया है कि जैसे लोग अंदेशा जताते हैं कि हम लोग यहाँ से MLC राज्यसभा दे देते हैं तो लोग वहाँ जाके बारगेनिंग करते हैं, तो उन्होंने नाम मांगा है कि आप 4 नाम अपनी पार्टी से आप भेज दीजिएगा, और आयोग के लिए अपने नाम हमको 17-18 नाम भेज दीजिएगा, तो उसी में से हम आपको बना करके दे देंगे, वो पार्टी का होना चाहिए आपके। तो हमने कहा कि यूँ मस्त, हम भी तो वही चाहते हैं। तो वो 7 तारीख को बैठक करेंगे और सभी नेताओं से राय मशविरा करके सूची बना करके और फॉरवर्ड कर देंगे दिल्ली और लखनऊ। चलिए आखिर सवाल, विभाग क्या मिल रहा है? विभाग के संबंध में बता दिया गया। बता दीजिए कुछ। नहीं, 3 उन्होंने 4 नाम मांगा था HM साहब ने, तो 4 नाम दे दिया गया। उसमें जैसे पंचायती राज हुआ और जनता से जुड़े हुए जो विभाग हैं, उस अब जो एक विभाग लिखा था तो वो तो मुख्यमंत्री के यहाँ से किसी को मिलता नहीं है, तो वो गृह मांग लिए थे क्या? नहीं, राजस्व और आवास। अच्छा। तो वो मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो उसी के पास रहता है, तो वो तो वही सही कट गया। चलिए बहुत शुभकामनाएं। तो ओम प्रकाश राजभर साहब जो आज शाम 5 बजे शपथ लेने जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री की, बीजेपी के साथ 6 महीने पहले आए थे और लंबा इंतजार हो गया, लेकिन इंतजार आज खत्म हो रहा है और कैबिनेट मंत्री बनकर ओम प्रकाश राजभर अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हुए दिखाई देंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।